हे गाइस, मैं हूं सूरज कनाल और स्वागत करता हूं आपका हाईटेक भारत इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टाग्राम रील्स के अंदर जो टैग्स होते हैं उनको आप ड्यूरेशन कैसे दे सकते हैं। ड्यूरेशन यानी कि एक टाइम पर एक ही टैग दिखना चाहिए। मतलब समझो, मैंने लिखा हाई, हाई के बाद फिर हाउ आर यू, ये जो है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर आना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम रील्स पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रंट कैमरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो जो टेक्स्ट है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और उनका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग रखता हूँ। कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो हाई, और हाई लिखने के बाद यहाँ पर अपर साइड में आपको ए स्टार दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको ए स्टार दिख रहा होगा, इस ए स्टार के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये बैक कर लेते हैं, तो क्लिक कर देते हैं उसके ऊपर। और क्लिक कर फिर यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस तरीके का ऑटोमेटिक आ जाता हो। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जब दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, तब तक इसको रखना है। हो गया, इतना रख दिया। और इसको हम बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया और फिर यहाँ पर ये टिक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टिक पर क्लिक करने के बाद फिर वापस हम ए पर क्लिक करेंगे। ए पर क्लिक करने के बाद हाउ आर यू, तो यहाँ हाउ आर यू लिखा और लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और यहाँ पर फिर ए पर क्लिक कर देंगे। ए पर क्लिक करके इसे हम कर देंगे बड़ा और ये आना चाहिए हाई के बाद। तो इसका ड्यूरेशन सेट करते हैं। ड्यूरेशन कैसे सेट करेंगे, डाउन साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ज़रिए आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाई दिख रहा है तो वहाँ तक उसके आगे जाना चाहिए आप। हाँ ठीक है, ये कर दिया हमने हाई। जब मैं बता रहा तब आना चाहिए, तब बेटर होगा। ओके, तो यहाँ तक हाउ आर यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया, इसको मैंने इधर बड़ा किया और बड़ा करके फिर यहाँ पर मैंने भी इसको हाई हाउ आर यू के बाद इसको मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसको कहाँ तक, ये दोनों साइड आपको रखना है। थैंक्स फॉर वॉच यहाँ तक रखा और फिर नेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं, गुड लक। मैं ऐसे कुछ रैंडमली वर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि लिखते कैसे, इसमें डालते कैसे टेक्स्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर फिर मैंने इसको यहाँ पर ये थैंक्स फॉर वॉचिंग के बाद मैंने इसको ऐड किया और यहाँ पर जो थम्स अप है ये ख़त्म होने तक फिर मैंने इसको ऐड किया और टिक पर क्लिक कर दिया। लास्ट में फिर हम लिखेंगे बाय। अब देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। बाय पर क्लिक किया, बाय पर क्लिक करके इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे सबसे। ओके, और यहाँ पर टिक पर कर देंगे, दैट्स इट। अब हाय, हाउ आर यू, सब एक ड्यूरेशन पे आ रहा है। किस तरीके से मैंने किया आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग जो भी, और गुड लक एंड बाय। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है टाइम स्टैम्प या फिर टाइम ड्यूरेशन लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर।
रील्स फीचर में, जहाँ पर आपको यहाँ पर फिर शेयर टू पर क्लिक करके जैसे शेयर करते हैं वैसे शेयर कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेगा, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।